हे गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अवर चैनल। क्या आप एक टैबलेट सर्च कर रहे हो फॉर योर वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, या फिर मल्टीमीडिया मूवीज वगैरह एंजॉय करने के लिए आप एक टैब सर्च कर रहे हो और आपका बजट सिर्फ 20,000 रुपीज़ है। 20,000 रुपये के रेंज में अगर आप सर्च करोगे टैब्स, तो बहुत ज़्यादा कम टैबलेट्स आपको देखने को मिलेंगे और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सा बेस्ट टैब हमारे लिए हो सकता है। तो डोंट वरी दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको टॉप 4 बेस्ट टैबलेट्स अंडर 20,000 रुपीज़ में बताने वाला हूँ। अब यूजुअली टॉप 5 बेस्ट होता है, लेकिन टॉप 4 इसलिए हो रहा है क्योंकि ज्यादा ऑप्शंस हमारे पास है नहीं इस बजट के प्राइस रेंज के अंदर। तो इसलिए टॉप 4 बेस्ट टैबलेट्स बताऊंगा अंडर 20,000 रुपीज में। काफी ज्यादा स्पेसिफिकेशन के साथ आते हैं और काफी बेस्ट टैबलेट्स हमने आपके लिए लिस्टेड कर रखे। तो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। माय नेम इज शेख अपराज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं, उसी क्राइटेरिया पे हम जो है टैबलेट को सर्च करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है बिग डिस्प्ले होना चाहिए, यानी कि बड़ा डिस्प्ले होना चाहिए और हमारा जो मेन फोकस है वो डिस्प्ले पर ही है। इसके बाद हमारे पास बिग बैटरी होनी चाहिए, गुड ब्रांड होना चाहिए, यानी कि जो टैबलेट हमारा हम जो सर्च कर रहे हैं वो एक ब्रांड से रिलेटेड हो, यानी कि अच्छा ब्रांड हो, लाइक सैमसंग, रियलमी वगैरह, ऐसे ब्रांड्स हम जो है उसके अंदर ही टैबलेट हम सर्च करेंगे। देन इसके बाद हमारा जो अंदर जो यूआई होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, जो सॉफ्टवेयर होना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। देन इसके बाद मिनिमम 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज चाहिए और जो प्रोसेसर और जो परफॉर्मेंस हमें चाहिए वो काफ़ी अच्छी चाहिए। तो हम इसी क्राइटेरिया के ऊपर हम जो है टैबलेट को सर्च करेंगे। ओके गाइस, लेट्स टॉक अबाउट नंबर 4 टैबलेट। तो वो है सैमसंग गैलेक्सी टैब 8 LTE। डिस्प्ले के बारे में बात करो तो 10.5 इंचेस का फुल HD TFT डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, TFT डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है। ऑल तो एक्सपीरियंस जो होगा काफी कमाल का होगा, काफी अच्छा डिस्प्ले आपको उसमें देखने को मिल रहा है, लेकिन जो है TFT डिस्प्ले होगा तो थोड़ा सा आप यहाँ पे ड्रॉबैक कंसिडर कर सकते हो। प्रोसेसर के बारे में बात करो तो यूनिसॉक्स T618 प्रोसेसर आपको उसमें देखने को मिल जाएगा, विच इज सिमिलर टू हीलियो G70। डॉक्यूमेंटेशन, PPT, ऑनलाइन क्लासेस या फिर मूवीज वगैरह, मल्टीमीडिया के सब काम आप आराम से इजीली कर पाओगे। ऑल द परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छा आपको इसमें देखने को मिलेगा। बैटरी के बारे में बात करो तो 740mAh बैटरी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। कैमरेज के बारे में बात करो तो 5MP का सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा एंड 8MP का रियर कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। एंड ऑल्टो जो है इसके अंदर आपको डिस्प्ले TFT डिस्प्ले मिल रहा है, लेकिन जो कंपनी वो जो ब्रांड है वो सैमसंग का टैब आपको मिल रहा है। तो सर्विसेज वगैरह, इसके जो भी अगर आपको कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है, टेक्निकल ग्लीचेस अगर आपको टैब में आ जाए तो जल्दी से रिपेयर भी हो जाएगा, क्योंकि सैमसंग का है तो मार्केट में कई सारे इसके जो पार्ट्स अवेलेबल आपको देखने को मिलते हैं। ऑल्दो सैमसंग की जो सर्विस है काफी ज्यादा अच्छी है। एंड इसके प्राइस के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो 19,999 रुपीज में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि अप्रॉक्सिमेट 20,000 रुपीज में आपको ये टैब आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। कॉमेंट में जरूर बताना कि आपको ये टैब कैसा लगा। और हाँ गाइस, जितने भी टैब्स मैं आपको बता रहा हूँ वो सब LTE टैब्स है, तो आप इजीली सिम डाल के से मोबाइल डेटा या फिर कॉलिंग वगैरह के लिए आप आराम से इजीली यूज कर सकते हो। ये एक प्लस पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हो। ओके गाइस, लेट्स टॉक अबाउट नंबर 3 टैबलेट के बारे में। तो वो है नोकिया टैब T20 LTE। अब नोकिया स्मार्टफोन्स के अंदर उतना अच्छा तो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, लेकिन ये जो टैब है वो काफी ज्यादा जबरदस्त है। इसके डिस्प्ले के बारे में अगर मैं आपसे कहूँ तो इसके अंदर आपको 10.36 का 2K डिस्प्ले आपको देखने को मिल रहा है, इज वेरी गुड दोस्तों। 2K डिस्प्ले आपको मिल रहा है तो पिक्चर क्वालिटी, एक्सपीरियंस वगैरह आप काफी अच्छा डिस्प्ले में ले पाओगे। बैटरी के बारे में अगर बात करें तो 8200mAh बैटरी आपको देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बैटरी आपको इसमें देखने को मिल रही है। प्रोसेसर के बारे में बात करें, इसके अंदर आपको यूनिसॉक्स T610 प्रोसेसर मिलता है, विच इज ऑल्सो सिमिलर टू हेलियो G70, हेलियो G80 आपको इसके करीब आपको देखने को मिल जाएगा। परफॉर्मेंस वगैरह ठीक ठाक आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर आपको 2K डिस्प्ले मिल रहा है तो पिक्चर क्वालिटी, कलर एक्यूरेसी वो काफी ज्यादा अच्छी मिलेंगी। बिग बैटरी मिल रही है तो लॉन्ग टर्म तक टिक जाएंगी एंड प्रोसेसर भी काफी ज्यादा अच्छा मिल रहा है, तो मल्टीमीडिया काम, थोड़ा बहुत गेमिंग वगैरह आप आराम से इजीली कर पाओगे। कैमरे के बारे में अगर बात करें तो इसके अंदर आपको जो है 8MP का रियर कैमरा मिल जाएगा एंड 5MP का सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। रैम एंड स्टोरेज के बारे में अगर बात करो तो 4GB रैम मिल जाती है एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिल जाता है। इन सब जितने भी टैब्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन सब के अंदर आपको 3GB वाला भी वेरिएंट अवेलेबल देखने को मिलता है, लेकिन मेरा एक पर्सनल सजेशन है, आप 3GB वाले के साथ मत जाइए। 4GB के साथ जाएंगे तो कैसा आप जो आगे इन फ्यूचर तक आपका टैब जो है टिक जाएगा, अच्छा परफॉर्मेंस इन फ्यूचर में दे पाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करो तो इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड आपको देखने को मिलता है, जो कि क्लीन परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। नो एड्स वगैरह, जो ग्लिचेस वगैरह जो होते हैं यूआई के अंदर वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, स्टॉक एंड्रॉइड है। अगर आप स्टॉक एंड्रॉइड लवर और यूजर हो तो ये टैब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। कॉमेंट में जरूर बताना ये टैब आपको कैसा लगा।
ओके गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द नंबर सेकंड टैबलेट। तो वो है Realme Pad LTE। गाइस वैसे देखा जाए तो ये Realme का ये फर्स्ट टैब है और काफी ज्यादा कमाल का। इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 10.4 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा कमाल का डिस्प्ले है। IPS डिस्प्ले तो कलर एक्यूरेसी, कलर पिक्चर करेक्शन वगैरह सब आपको कमाल के देखने को मिलेंगे। बैटरी के बारे में बात करें तो 7100 mAh की बैटरी आपको उसमें देखने को मिल जाती है। तो हाँ, बैटरी भी इस गुड इनफ, आपको अच्छी लॉन्ग टर्म तक बैटरी टिक जाएंगी। प्रोसेसर के बारे में बात करें तो Helio G80 प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। गेमिंग वगैरह में परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको ये टैब में आपको देखने को मिलेगा। 4GB रैम मिल जाती है एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। कैमरे के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको जो 8MP का रियर कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा एंड प्लस 8MP का सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा। अब एक बात इसकी बात बता दूं मैं, इसके अंदर का जो प्राइस है सब टैब से काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। सब टैब आपको जो है 19,000 rupees के रेंज में आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ये टैब आपको 17,999 rupees में आपको देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अप्रॉक्सिमेट 18,000 rupees में आपको ये Realme पैड आपको देखने को मिल रहा है, और जो कि Realme का फर्स्ट टैब है तो काफी ज्यादा कमाल का इन्होंने इसके अंदर आपको Helio G80 प्रोसेसर मिल रहा है, तो विच इज वेरी गुड। आपको परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा तगड़ा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। कॉमेंट में जरूर बताना ये टैब आपको कैसा लगा। ओके गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द नंबर फर्स्ट टैब। तो वो है मोटोरोला टैब G70 LTE। अब मोटोरोला के इस टैब के अंदर आपको जो MediaTek Helio G90T प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा, विच इज मिड रेंज गेमिंग प्रोसेसर। तो परफॉर्मेंस के बारे में नो डाउट काफी ज्यादा तगड़ा परफॉर्मेंस आपको इस टैब के अंदर देखने को मिलने वाला है। अब परफॉर्मेंस तो काफी ज्यादा तगड़ा मिल रहा है, तो डिस्प्ले भी काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए क्योंकि अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो इसके अंदर आपको काफी ज्यादा बड़ा डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, 11 इंचेस का 2K IPS डिस्प्ले आपको उसमें देखने को मिलने वाला है। ये जो कॉम्बिनेशन है काफी ज्यादा बेस्ट कॉम्बिनेशन है, बेस्ट प्रोसेसर मिल रहा है, बेस्ट और बिग डिस्प्ले आपको मिल रहा है, तो काफी ज्यादा तगड़ी बात है। बैटरी की अगर बारे में बात करो तो 7700 mAh की बैटरी आपको उसमें देखने को मिलने वाली है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करो तो MIUX ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है, विच इज क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड, तो आपको क्लीन परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। कैमरेज के बारे में बात करो तो 13MP का रियर कैमरा आपको देखने को मिलता है एंड 8MP का सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलता है। डॉक्यूमेंटेशन की फोटोग्राफ्स वगैरह आप आराम से इजीली इससे क्लिक कर पाओगे और काफी अच्छी क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। एट द एंड प्राइस के बारे में बात करते हैं तो 22,450 rupees में आपको देखने को मिल जाएगा। या दोस्तों थोड़ा सा अनफेयर हो चुका है क्योंकि वीडियो का टाइटल ही अंडर 20,000 है और आपको मैं टैब बता रहा हूँ 22,000 का, यानी कि लगभग 22,500 का टैब आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर आपको जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी डिस्प्ले मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है, तो 1,000-2,000 रुपये थोड़ा सा अगर आप बजट बढ़ा देते हो और आपको अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, और ऐसा नहीं कि आपको 22,500 रुपये में ही आपको ये टैब आपको देखने को मिलेगा। अगर ऑफर्स वगैरह में आप देखोगे तो आपको 20,000 rupees तक आपको ये टैब आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको कमेंट करके बताना कि आपको ये टैब कैसा लगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएंगे, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपने कौन सा टैब लिस्टेड कर रखा है और आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अभी तक मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी मिलती है इसी कमाल की वीडियो के साथ। तो चलिए गाइस, बाय बाय। I can